रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्य किसी सवारी गाड़ी या वाहन से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाएगा तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2022 के सफलतापूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों का भंडारण एवं प्रदाय करने वाले तथा शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं उनके ठिकानों का पता लगाने का सघन अभियान चलाया गया तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध संगत अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है। इस हेतु सघन चेकिंग की जा रही है तथा जिले में मतगणना पूर्ण हो जाने तक पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों एवं कानून व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी का सघन अभियान चलाया गया है। इसी प्रकार लारियों, ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रालियों आदि मालवाहक वाहनों का जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर सवारियों ढोने पर पाबंदी है, प्रचलन विनियमित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की गई है और यदि ऐसे वाहनों का दुरुपयोग मतदाताओं सवारियों को लाने या ले जाने के लिए किया जा रहा होगा तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के कृत्य को अपराध माना जाएगा तथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।